नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के कोर्ट परिसर से। आप सभी को जानकारी दे दें कि यमुनानगर के बुढ़िया थाना क्षेत्र स्थित दयालगढ़ में एक मामला सामने आया था, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को कई युवकों के द्वारा जो है मारपीट की गई थी। जी हां, आप सभी को जानकारी दे दें कि कुछ तेज धार हथियारों से उसके पैरों पर हाथों पर वार किया गया था, जिससे वो अधमरा हो गया था। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अधमरा हुआ था उसका नाम सोहेल था, और वो सोहेल जो है यमुनानगर के बुढ़िया एरिया के स्थित एक स्कूल में पढ़ा करता था, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि आपसी रंजिश थी, कोई पुरानी बात थी, जिनके चलते उन युवकों ने इसे मारा था, और जिसकी वीडियो जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आई है कि उसमें से तीन लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ लोग जो और वो कहीं ना कहीं अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन पुलिस ने जानकारी दी है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आज इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया, और कोर्ट में पेश करने के बाद जो है इनकी रिमांड मांगी जा रही है। मौके पर जो है डीएसपी राजीव हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना है प्रेस मीडिया के माध्यम से उनका इस पूरे वाक्य को लेकर, आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं डीएसपी राजीव से। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को? बुढ़िया में जो एक छात्र पर हमले का मामला सामने आया था, उसमें क्या कुछ हुआ इस मामले में? उसमें जैसा आप सब वाकिफ भी हैं, एक FIR नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में रजिस्टर हुई थी, और इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग हुई थी वो पहले ही बरामद कर ली थी। और कल इस घटना में जो तीन आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, उनको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करके उनको आज ऑनरेबल कोर्ट में पेश किया जा रहा है फर्दर रिमांड के लिए उनका। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, दिग्विजय राणा ये बुढ़िया के निवासी हैं, देव सैनी हैं ये कनालसी के हैं, हाल जो आबाद बुढ़िया में रहना तस्दीक हुए हैं। इसके अलावा एक विपुल काम्बोज है, माली माजरा के रहने वाले, ये तीनों इस घटना में संलिप्त थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बकाया आरोपी हैं, दो अन्य का नाम और सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस पैरेलली कर रही है, जिनको भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, क्या सामने आया, किस वजह से मारपीट हुई? इनका कोई पहले विवाद था, कोई रंजिश थी इसमें जो दिग्विजय राणा है उसके साथ, तो उसमें बाकी ये सारे इसके मतलब इसके साथी है, इन्होंने फिर हम मशवरा होकर इस वारदात को अंजाम दिया है, और बाकी थोरो इन्वेस्टिगेशन इसकी अभी अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ऑनरेबल कोर्ट में इनका चार्जशीट सबमिट की जाएगी। आरोपियों में कोई माइनर भी है? नहीं, अभी तक इनका माइनर वाला कोई सामने नहीं आया है। इनमें से एक आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमने जो अपने थाने हैं थाने से प्राप्त किया है, एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने अभी तक नहीं आया है, बाकी तफ्तीश जारी है। इनमें कोई स्कूल में पढ़ने वाला भी है? नहीं, ये सारे अपना जो है काम वगैरह ही करते हैं, और इसके दिग्विजय राणा जो हैं इसके साथी हैं, और इसी तरह की बात सामने आई है। सर, ऐसा भी सामने आ रहा है कि यहाँ पे जो है जो आरोपी है उनका स्कूल वाले से कोई रिलेशन है किसी प्रकार का, कोई पारिवारिक? देखिए, वो तफ्तीश का विषय, स्कूल को आप इस चीज़ से सेक्लूडेड करिए, ये आपसी रंजिश का मामला है, उस रंजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है, और उसमें जो आरोपी है मैं आपको बता चुका हूँ, तीन आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, दो आरोपी अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में दो अन्य का नाम और सामने आया है उनकी गिरफ्तारी बकाया, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और ये पुरानी रंजिश का क्रिमिनल रिकॉर्ड में किसका नाम है? क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो मैं आपको प्रेस नोट पे दे दूंगा, एक व्यक्ति है इनमें, उनका उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो हार्ट केस ही है जी, लड़ाई झगड़े का केस ही है, वो सामने आ रहा है। सर, छात्र की हालत कैसी है जिसका? अभी ही इज अंडर ट्रीटमेंट, और उसका अपना ट्रीटमेंट उसी दिन से चल रहा है, ही स्टेबल। कल उसकी स्टेटमेंट भी हमने ली थी, स्टेटमेंट लेने के बाद इसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो भी ऐड हुए हैं, और इसका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो भी हमने ऑन पोजीशन इन पोजीशन ले लिया, और ऑन रिकॉर्ड लेके इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन इन दिस स्टेटमेंट में क्या कुछ बताया वो जो आप इनका को जो मतलब जो लोग झगड़े में शामिल थे, जो मारपीट में शामिल थे, इस तरह की उसकी अपना पुरानी एनमिटी थी, उस बात को लेकर उसने डिस्क्लोज किया है, और वही तफ्तीश का एक जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है इसके। करने की कोशिश हुई है? एक्सक्यूज मी, इस जो घायल हुआ है छात्र, इस पे कोई इस तरह का पहले भी हमला करने की कोशिश की किसी ने? इनकी कोई बहसबाजी पहले थी जो रजिश मैं बता रहा हूँ, पर ये जो इन्होंने किया है ये इसको प्लान करके, और देन इस पे इसकी इसके साथ मार पिटाई की है, और जो इसका एक सीसीटीवी एविडेंस भी है वो आप सबने देखा ही होगा, तो ये प्लान करके इन्होंने इस पे अटैक किया है, पुरानी रंजिश करते पहले कोई इस तरह की कोई
एप्लीकेशन पुलिस के पास इस रेफरेंस में नहीं है। छात्र के साथ साथी भी है कोई साथ में? छात्र अकेला था, जो अभी जिसके साथ मारपीट हुई है वो अकेला है, बाकी जैसे वो स्टेबल होगा उसको फर्दर हम उसको दोबारा थोड़ा पूछताछ करेंगे वेदर उसके साथ उसका कोई साथी था, वो जो कैन बी यूज्ड एज अ विटनेस आल्सो, वो भी हम इस एंगल को भी देख रहे हैं। सर धाराएं कौन सी लगाई है, पहले क्या थी धाराएं? जो पहले स्टेटमेंट थी उस हिसाब से सेक्शन 323, 148, 149, 506 में रजिस्टर था। अब मेडिकल ओपिनियन प्लस जो सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से 307, 325 आईपीसी आल्सो इनकॉर्पोरेट कर दिया, बाकी तफ्तीश जो है वो चल ही रही है इस केस में। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अब उनका लगभग एक दिन का रिमांड मान लिया गया है ताकि जो और आरोपी है उन्हें भी पकड़ा जा सके। आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, ताज़तरीन खबरों के लिए बने रहे आईबीएन 24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।